बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज पेपरों के हवाले से क्या फ़ैसला होना था और वो फ़ैसला हो गया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बताया है कि मुल्क में तमाम के तमाम 30 वर्ड्स के पेपर पोस्टपोन नहीं बल्कि कैंसल, यानी के मुलतवी नहीं बल्कि मनसूख कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि किसी भी बोर्ड्स के पेपर नहीं लिए जाएंगे। आइए इस हवाले से क्या कहना है शफकत महमूद का आपको सुनाते हैं। नहीं होंगे 15 जुलाई तक, ये बात क्लियर है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जितने भी बोर्ड्स के इम्तिहान है वो नहीं होंगे और बल्कि जो होने वाले थे वो सारे के सारे मनसूख हो गए। मतलब यानी कुछ भी हो जाए, नवीं से लेके 12वीं के एग्जाम्स नहीं होंगे। एग्जाम बिल्कुल नहीं होंगे, एग्जाम मनसूख हो गए। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कहता हूँ, एग्जाम्स नहीं होंगे। दूसरी बात, मुल्क के तमाम तालीमी अदारे 15 जुलाई से कबल किसी भी सूरत नहीं खोले जाएंगे। उनका कहना था कि ये बात फाइनल है कि पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं और अब किसी भी सूरत हाल के तहत पेपर नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने इस बात को फाइनल कर दिया है कि 80% बच्चों का कोई एतराज़ नहीं है और उनका यही कहना था कि बच्चों की सेहत के हवाले से कोई भी कंप्रोमाइज़, कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता और इसी वाले से यही बेहतर है कि हमने पेपर कैंसिल यानी कि मनसूख कर दिए गए हैं। और कुछ सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सी खबरें चल रही हैं कि पेपर मुलतवी कर दिए गए हैं, पेपर होंगे, तो लिहाजा मैं आपको बता दूं कि पेपर नहीं होंगे और वफाकी वज़ीर तालीम ने इस बात का फ़ैसला सुना दिया है। लिहाजा कुछ प्राइवेट इदारों को तहफ़ुज़ात थे और इन तहफ़ुज़ात को दूर करने और तमाम और कुछ प्राइवेट इदारों को इस पर तहफ़ुज़ात और कुछ लोगों के सवालात थे और वो सवालात और तमाम तहफ़ुज़ात को दूर एक दो दिन में कर दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम बोर्ड्स, माहिरे तालीम, वफाकी वज़ीर मुशावरत जारी है, जैसे ही फैसला होगा आपको आगाह कर दिया जाएगा। और इसी वाले से कुछ कैटागरीज बनाई गई हैं, वो कैटागरीज ये हैं कि बच्चों को किस तरह प्रमोट किया जाएगा और बच्चों को प्रमोट करने का तरीकाकार क्या दिया गया जाएगा, वो भी इंशाल्लाह एक दो दिन में फाइनल हो जाएगा और आपको इस हवाले से आगाह कर दिया जाएगा। और ये तो बिल्कुल फाइनल हो चुका है कि पेपर नहीं होंगे और जैसा कि कुछ मैट्रिक के पेपर हो चुके हैं उनका क्या किया जाएगा और कुछ बोर्ड्स के पेपर होने वाले थे उनका क्या किया जाएगा। और लिहाजा यही बात फाइनल है कि जिनके पेपर नहीं हुए के पेपर नहीं हुए उनके पेपर कैंसिल कर दिए जाएंगे और जिनके पेपर हो चुके हैं मतवक्को है कि उनका रिजल्ट फाइनल कर दिया जाएगा और मार्किंग की जाएगी। तो लिहाजा जिनके पेपर नहीं हुए वो पेपर बिल्कुल कैंसिल कर दिए गए हैं और अब तमाम तलीमी इदारे भी 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। लिहाजा ये बात अब फाइनल हो चुकी हैं और इसी वाले से तमाम की तमाम सूरत हाल से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।